कहीं कि नहीं दुमुहुआ है, हेमंत सोरेन दुमुहुआ है कि अभी तक वो 32 लागू करने के उसका पास दम नहीं है। बजरंग महतो भी इस पार्टी में कौन बनाया है, हमारे आंसू पार्टी में ही राजनीतिक करने के लिए सीखे थे, भले वे अपने कांग्रेस में जाके अपना रोटी सेकने के लिए आज विधानसभा में वो विधायक बनने के लिए आए हैं, प्रत्याशी बन के, ये अलग चीज है, लेकिन उसको राजनीतिक सिखाया है आंसू। जोहार, मैं देव महतो आप लोग को झारखंड के रिगार्डिंग लगातार वीडियो देता हूँ। चुनावी सरगमी रामगढ़ क्षेत्र में काफी ज्यादा है, 27 तारीख को रामगढ़ में एक मेला होने वाली हो यहाँ की जनता के लिए, और वो मेला लगेगी यानी अपना मतदान करेंगे, एक तरफ है कांग्रेस के और एक तरफ है आंसू के, कांग्रेस के आंसू के साथ एनडीए समर्थक है, इधर महागठबंधन के हैं, इन दोनों में आज बातचीत होगी कि क्या कुछ किए हैं ममता देवी ने और क्या ममता देवी के बजरंग महतो जो उम्मीदवार है, साथ ही साथ इधर के जो है चंद्रप्रकाश चौधरी और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी क्या कुछ कार्य करेंगी अगर विधायक बनती है, तो सारा चीज इनके समर्थक जो अपने स्तर पर प्रचार प्रसार अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आज जानना चाहेंगे कि आपके विधायक उम्मीदवार हैं वो क्या कुछ करते हैं और आपके तरफ के जो विधायक उम्मीदवार हैं वो क्या करना चाहेंगे आगे की ओर। चलिए आपसे डिबेट में बातचीत करवाते हैं। विधानसभा में देखिए डॉक्टर लमोदर महतो में आवाज उठाया कि नहीं उठाया, तो वही व्यक्ति ताके बाहर में बोलता है 32 जून पकड़ा दिया, आपकी पार्टी आपकी महागठबंधन की पार्टी एक बात बोलते हैं कि ये दो मुहुआ है, अभी तो बीजेपी है, ये कहीं कि ना ये दो मुहुआ है, हेमंत सोरेन दो मुहुआ है कि अभी तक वो 32 लागू करने के उसका पास दम नहीं है और जनता को हेमंत सोरेन के कौन हिसाब से प्रूव करे दो मुहुआ है, कि दो मुहुआ है सीपी चौधरी आंसू पार्टी दो मुहुआ है, अगर 1932 अगर लागू होगा तो हेमंत सोरेन ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा लोग अपने अपने पार्टी को लेकर समर्थन को लेकर लोग हैं, मैं राय जानना तो चाहूंगा, सुनिए आप देख सकते हैं जब आपस में यहाँ पर आपसी ये लोग अपने पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कोई किसी का लड़ाई नहीं कर रहे, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, वो उसका बुराई बता रहे हैं कि क्या गलत किया है और ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है, तो मैं ये अभी 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 बड़ी खुलासा हुई है, अभी आप लोग ने बोला कोई बिहार का है कोई झारखंड का है, अभी मोहित ने जो बोला है कि बिहार का ठेकेदार था और इस रोड को बनाया और इसमें चंद्रप्रकाश, इतना तो अभी माने है ये, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोले थे कि रोड पुल पुलिया कॉलेज ये सब सब जितना है सब कुछ चंद्रप्रकाश चौधरी की, अभी एक बात में सामने आया है कि जो भी टेंडर हुआ या मैंने बक्सर से आकर के यहाँ बनाया तो भी चंद्रप्रकाश चौधरी ने बनाया, नहीं तो बोल रहा है कि ठेकेदार बाहर करा रहा है, कहीं का भर सकता है टेंडर, कहीं का ठेकेदार भर सकता है, मेरा बाप का कहीं आके यहाँ बाहरी आदमी आके राज करे, बाहरी आज बाहरी नहीं आज आज झारखंड में बाहरी क्या नजर खुला है हेमंत सोरेन का, नहीं अभी 1932 की बात हो रही है, तो 1932 का तो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं हेमंत सोरेन, कहाँ सुतरा मेरी सरकार का पूरा, बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि कर दे जी चुनाव में, आप क्यों वो तो बोल रहे हैं 1932 इन लोग का मुंह नहीं है, इन लोग का मुंह हुआ है क्या, किस तरह क्या बोल रहे हैं, 15 साल मंत्री रहकर बता दे ये एनडीए यूपीएस बिना किसको छोड़ा है, बोल दे प्रकाश चौधरी किसको छोड़ा, तो बिना पेंदी का लोटा बता, कांग्रेस बिना पेंदी का लोटा है, अरे प्रूव कर दे एको बिना पेंदी का लोटा, अरे हम इनको बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा, आधार के साथ जवाब दीजिए, चौधरी बिना पेंदी का लोटा है, आज सो के चंद्रप्रकाश चौधरी बिना पेंदी का लोटा है, जिसका भी सरकार बने वो उसमें मंत्री रहा है, चंद्रप्रकाश चौधरी बिना पेंदी का लोटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसी का देन है कि आज बजरंग महतो भी इस पार्टी में कौन बनाया है, हमारे आंसू पार्टी में ही राजनीतिक करने के लिए सीखे थे, भले वे अपने कांग्रेस में जाके अपना रोटी सेकने के लिए आज विधानसभा में वो विधायक बनने के लिए आए हैं प्रत्याशी बन के, ये अलग चीज है, लेकिन उसको राजनीतिक सिखाया है आंसू, कांग्रेस का सवाल है कि राजू ने बनाया चंद्रप्रकाश चौधरी ने बनाया, उस संघर्ष की कर जिस समय सीपी चौधरी यहाँ के विधायक थे उस समय बता दे कि आंसू यहाँ पर था, यस आंसू था, आंसू यहाँ से जीत के गए था, याद है मधु खोड़ा के साथ में, याद है आंसू था, तो सुदेश महतो कौन था, सुदेश महतो उस समय हारे हुए विधायक थे, हारा हुआ था, सुन लीजिए भाइयों, सुदेश महतो 2007 में हारा हुआ, चलाइए इसको न्यूज, कौन 2007 में सुदेश महतो हारे थे इसलिए बीच में थे, चलाइए चलाइए न्यूज चलाइए बताइए,
आप लोग रामगढ़ की जनता क्या चाहती है? आप लोग अपने पार्टी के समर्थक आप अपने जनता नहीं तो आप लोग क्यों करेंगे? 2007 में सुदेश महतो हारे थे। जिला बनाने में विधायक नहीं बने थे उस समय भी संघर्ष किए हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी किए हैं। यहाँ रामगढ़ से लेकर के जाकर के रांची तक पैदल चल करके वो गए थे। रामगढ़ जिला बनाने में अहम भूमिका है चंद्र प्रकाश चौधरी का। अच्छा तो अगर आपके आपके यानी सुनीता चौधरी और बजरंग महतो अगर आपके दोनों में से आप अपने क्या पक्ष रखेंगे जो अगर जीत के आते हैं तो सुनीता अगर आपकी विधायक जीत के आती है तो सुनीता चौधरी क्या ऐसे कार्य करेंगी जो अभी तक नहीं हुआ है रामगढ़ में? नहीं नहीं सुनीता चौधरी आम पब्लिक के लिए बहुत काम किया उनका पति देव और आज आशा उम्मीद करते हैं कि जो उनका अधूरा काम है ये पूरा करेगी, यह हम लोग को पूर्ण विश्वास है। कौन किन किन ऐसा रामगढ़ में क्या क्या काम है जो नहीं हुआ है? नहीं मैं बहुत काम ऐसा अधूरा 3 साल के अंदर में जो की पूरा स्वार्थ के लिए मैंने काम किए अपना गाड़ी लेना जमीन लेना 3 साल के अंदर बाद बाकी जनता के नजर में कुछ काम नहीं थे। जमीन की बात करें तो जहाँ देखिए बाउंड्री सिर्फ सीपी चौधरी 300 एकड़ या सिकनी एक भी बोर्ड वहाँ दिखा देना कि सीपी चौधरी के नाम से वो बाउंड्री है सो एक भी बाउंड्री में वहाँ लगा होना चाहिए ना। आजादी किसी का भी बाउंड्री में बोल दीजिएगा कि उसका है, ऐसा नहीं होता है। एक भी दिखा तो ये जो आपने देखा डिबेट एक तरफ थी एनडीए की और एक थी महागठबंधन की यानी कि एक तरफ कांग्रेस एक तरफ आसू ये जो एक दूसरे का डिबेट देखे ये आपसी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अपना तर्क रख रहे थे ये अपना तर्क रख रहे थे कोई ये अपना दिल पे ना ले। बाकी आप लोग जो जनता है आप अपना मत देख रहे होंगे कि अपने क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट किस तरह का काम करते हैं। बाकी रामगढ़ का सिकंदर कौन बनेगा ये रामगढ़ की जनता तय करेगी। बने रहिए हमारे साथ। जय झारखंड जोहार झारखंड।